मेरा नाम कल्पना है, बेसिकली बाय बर्थ मैं सखर से हूँ और आफ्टर मैरिज लाड़काना। हिंदू पंचायत लाड़काना की मैं वाहिद खातून हूँ जो इलेक्ट हुई हूँ, इलेक्शन लड़ा है। और जब मेरा फार्म अलाउ हुआ तो वो मुखी और उसके जो चाहने वाले हैं, मैं उनको हवारी कहूँगी, आज भी परेशान है कि हमने इसका फार्म अलाउ क्यों किया। अब मेरा फार्म अलाउ नहीं कर रहे, वो अलग से मेरी स्ट्रगल चल रही है। माजरत के साथ, हमारे जो वो चेयरमैन बनते हैं या मुखी बनते हैं, उनका बस यही काम है कि शादी में या फौतगी में आगे की सीट पे जाके बस बैठ जाओ कलफ के कपड़े पहन के। उनको ये पता ही नहीं है कि ये सीट आपको लोगों ने दी है। आपका काम यही है कि कोई तकलीफ में है, हमारी बच्चियां कन्वर्ट होती हैं, हमारी पंचायतों ने क्या किया है अभी तक? आपने कोई रेजोल्यूशन पास होते हुए देखा है? जबकि मैंने 500 केसेस चलाए हैं फ्री ऑफ कास्ट। पंचायतों का यही तो काम है कि प्रोटेक्ट योर कम्युनिटी। उनको तो ये भी पता नहीं है कि कानून में हमारे लिए क्या सहूलतें हैं। जब पता नहीं होगा तो आप एक्ट कैसे करोगे? इनको सिर्फ ये पता है कि गौशाला पे कब्जा कैसे करना है, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपने आपस में कैसे बांटना है। ये हलवा है जो बांट रहे हैं, खा रहे हैं हर शहर में। गौशाला पे यही मुखी और उसके हवारियों का कब्ज़ा है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया, इसीलिए तो मुझसे खुन्नस है उनको। धर्मशाला के इस वक्त 32 दुकानें हैं, उसमें ये सेठिए लोग एक दूसरे को सबलेट करते जा रहे हैं करोड़ों में। एक रुपया धर्मशाला को नहीं मिलती। मसाणा है हमारी ग्रेवयार्ड्स, उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जहाँ मेरा एम ये था कि मैं वहाँ पर कॉलोनी बनाऊँ और उन लोगों को दूँ जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं या जो बेचारे लो पेड लोग हैं। हमारे मसाणे भी, ग्रेवयार्ड्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लोगों को मिल जाएगा कुछ रहने के लिए। गौशाला की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उस पर मेरी नीयत थी कि मैं हॉस्टल बनाऊं, क्योंकि लाड़काना ऐसा शहर है कि वहाँ पर पूरे सिंध से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो भी करीबी हैं हॉस्पिटल्स हैं, लोग आते हैं। उनको आपने क्या सहूलत दी है? मैं ये नहीं कह रही कि वो फरसूदा चीज़ें चलती रहें, जो फरसूदा हैं हम उनको एक्सक्लूड करें। अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी तो पंचायत में एटलीस्ट ये होता है, जैसे मैं ख़ुद फैसले करने जाती हूँ तो जब मेरे पास फैसले आते हैं तो हार्डली 2 से 3 उनकी हियरिंग होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एज सून एज पॉसिबल हम जस्टिस फराहम करें, और हमारा जो झगड़ा होता है विद इन कम्यूनिटी होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये, इसको आप फरसूदा नहीं कह सकते। उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ एक लिस्ट थी जिसमें मेरा नाम था, तो उन्होंने क्या किया कि डेलीबरेटली इन्होंने लिस्टों में से औरतों के नाम डिलीट कर दिए। और जब इलेक्शन का टाइम आ रहा था तो ये वो जो पेपर छापते हैं कि शेड्यूल ऑफ इलेक्शन ये सो एंड सो है, उसमें इन लोगों ने क्या लिखा कि कोई भी बहन, सिंधी में लिखा, कोई भी बहन हमसे फॉर्म लेने ना आए। ये वही पंचायत है जिसकी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, उस वक्त भी तो मैं औरत थी, अब भी ज़िले पंचायत की जो है मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ, मेंबर भी हूँ, मैं उस वक्त भी तो औरत थी। इस मुखी के ऊपर केस हुए, इस मुखी के घर पे कब्ज़ा करने के लिए आ रहे थे। इसकी जिस तरह मैंने मदद की केसों में और कब्ज़ों में, तब भी तो मैं औरत थी। मुखी वही होगा जिसका बाप होगा, जिसका पोता होगा, वो जो मैंने पहले आपको बात कही, इन्होंने जैसे अपने बाप की मीरास समझी हुई है। अभी जब मैंने सुप्रीम कोर्ट से केस जीता तो उसमें मुखी को डायरेक्शन थी कि ये औरतों की जो लिस्ट आपने एक्सक्लूड किए हैं नाम, उनको आप रिवाइज करें,
लेकिन मुखी ने वही चंद लोग बुला के एक मीटिंग कॉल की और उसमें लिखा कि मेरे ये लोग चाह रहे हैं कि औरत ना आए। मैंने भी फिर मीटिंग कॉल की जिसमें मैंने 20 या 25 लोगों को बुलाया, लेकिन मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास 60-70 लोग आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारी मुखी मैडम है। आप जनता को रोक नहीं सकते हो। ये जो जंग है वो सिर्फ एक नाम कल्पना उसके लिए नहीं है, मैं पूरी औरतों के लिए लड़ रही हूँ। मैं लड़ रही हूँ एक माइंडसेट के लिए कि आप कौन होते हो कि औरतों को एक्सक्लूड कर। सुप्रीम कोर्ट ने ये 24/12/2020 को ये डायरेक्शन दी थी मुखी को कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ बैठें, ज़िले पंचायत के साथ बैठ के, कम्युनिटी के साथ बैठ के इस मसले को यूनानिमस रिजॉल्व करें और वो जो औरतें हैं, औरतों के नाम आपने एक्सक्लूड किए थे वो आप बहाल करें। तो इसने वही डमी अपनी मीटिंग कॉल की और उसमें लिख के दिया कि लोग नहीं मान रहे। ज़िले पंचायत का करेक्टर ये था कि ज़िले पंचायत ने मुखी को बार बार अप्रोच की, मुखी ने उनको रिस्पांस नहीं दिया। ज़िले पंचायत ने मुझे लिख के दिया कि भाई मुखी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसीलिए हम अकेले इलेक्शन नहीं मतलब करवा सकते। सिटी पंचायत अलग है, ज़िले पंचायत अलग है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो इन लोगों ने जब ये मुझे ज़िले पंचायत ने ये लिख के दिया तो अब मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ। फिर अगर जनता ने मुझे मुंतखब किया और मैं फिर आ रही हूँ, वो एज अ मुखी या एज अ चेयरपर्सन, इट्स अप टू माय जनता। मैं पहले तो अपनी प्रॉपर्टियाँ इनसे लूँगी, जनता की चीज़ें जनता को दूँगी और एक दफ़ा कम्युनिटी को। सिंधीअ में मां ज़रूर चवंदमि त ॻाट ऊचो करे हलणु सेखारींदमि। एक दफ़ा तो ये करूँगी, अगर ये मेरी ज़िंदगी में हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा जन्म लेके आऊँगी।